अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। ये वीडियो का स्टार्ट देख के ही आप समझ गए होंगे कि हम आज किस हवाले से बात करने वाले हैं। आपको पता है कि आज ही प्राइम मिनिस्टर लैपटॉप स्कीम 2023 का पोर्टल ओपन हुआ है और स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन ओपन कर दी गई है। तो इस हवाले से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने हमसे पूछा कि आप हमें वीडियो बनाकर बताइए कि हम अप्लाई कैसे करें, हम किस तरह एलिजिबल हैं या नहीं हैं। तो इस वीडियो में, इस सीरीज़ की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कौन एलिजिबल हो सकता है इस पीएम लैपटॉप स्कीम के लिए और अप्लाई किसको करना है, और जो एक दिया गया है चार्ट दिया गया है, एलिजिबिलिटी चार्ट दिया गया है, हम उस चार्ट को एक्सप्लोर करेंगे। तो ये वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव है, एंड तक देखिएगा। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। चलें स्टार्ट करते हैं हम। प्राइम मिनिस्टर लैपटॉप स्कीम 2023 फाइनली वेट इज ओवर। द रजिस्ट्रेशन शेड्यूल फॉर प्राइम मिनिस्टर्स लैपटॉप स्कीम इज अनाउंस्ड। एप्लीकेशंस कैन बी सबमिटेड ऑनलाइन। स्टूडेंट्स कैन सबमिट ऑनलाइन एप्लीकेशन एट पीएम यूथ प्रोग्राम्स ऑफिशियल पोर्टल। ये आज एडवर्टाइज आई थी कि प्राइम मिनिस्टर जो मोस्ट अवेटेड थी, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को प्राइम मिनिस्टर लैपटॉप स्कीम इस हवाले से रजिस्ट्रेशन कब आएगी, तो आज ये अनाउंस हुई है और हम इसमें देखते हैं। अब आते हैं, आगे बढ़ते हैं हम। ये यहाँ पर देखिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर पीएम लैपटॉप स्कीम। अब स्टूडेंट्स इनरोल्ड नॉट अर्लियर देन देयर रेस्पेक्टिव प्रोग्राम ड्यूरेशन एज पर द टेबल बिलो। अब वो टेबल को थोड़ी देर में हम देख रहे हैं, उस टेबल को आप हमारे साथ एक्सप्लोर कर लीजिएगा, हम आपको पूरी इंफॉर्मेशन देंगे। द एप्लीकेंट मस्ट हैव अ वैलिड सीएनआईसी बे फॉर्म नंबर। आपके पास सीएनआईसी अपना बना हुआ होना चाहिए। अगर सीएनआईसी नहीं बना हुआ तो मिनिमम फॉर्म बी या बे फॉर्म जिसको कहा जाता है वो होना चाहिए, जिस पे आपका सीएनआईसी नंबर लिखा होता है। मस्ट बी अ वैलिड स्टूडेंट एज ऑफ क्लोजिंग डेट फॉर एप्लीकेशन सबमिशन सच दैट 30 जून 2023। मतलब 30 जून 2023 तक स्टूडेंट्स को अपनी यूनिवर्सिटी में इनरोल होना लाजमी है। यहाँ तक इस डेट तक अगर कोई स्टूडेंट इनरोल नहीं है या जिसकी इनरोलमेंट एक्सपायर हो चुकी है तो वो एलिजिबल नहीं होगा इस प्रोग्राम के लिए। ठीक है, चलें अब नेक्स्ट में देखते हैं। अब इस टेबल को आप मेरे साथ बहुत गौर से देखें, इस टेबल को हम एक्सप्लोर करेंगे। ये एलिजिबिलिटी टेबल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसमें PhD, MS, MPhil, MBA ये सारे लिखे हुए हैं। मैं वन बाय वन आपको यहाँ पर समझाता हूँ, यहाँ पर आप पूरी कंसंट्रेशन दें। अब PhD प्रोग्राम जो है वो 5 ईयर्स का है। अब इसमें ऐसे कैंडिडेट्स, ऐसे स्टूडेंट्स जिनकी डेट ऑफ एडमिशन 30 जून 2018 से लेकर 30 जून 2023 तक है, अब ऐसे स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं। अब यहाँ पर मैं यहाँ पर बताऊँ कि 30 जून सेमेस्टर जो होता है वो फॉल कहा जाता है उसको। कई ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनका एकेडमिक ईयर, जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध है, उसका एकेडमिक ईयर आपको पता है जनवरी से लेकर दिसंबर तक होता है। हर बार जो न्यू एकेडमिक ईयर होता है, एडमिशन्स यूनिवर्सिटी मोस्ट यूनिवर्सिटीज़ जो करती हैं लाइक यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध, वो नवंबर दिसंबर में करती हैं। उसके बाद जो न्यू क्लासेस शुरू होते हैं वो जनवरी में होते हैं। तो अगर यहाँ पर 30 जून 2018 लिखा हुआ है तो अगर जिन यूनिवर्सिटीज़ में फॉल में एडमिशन होती है 30 जून जून वाले सेमेस्टर में, तो वो एलिजिबल हैं। अगर नहीं है तो यहां पर स्टूडेंट्स वो एलिजिबल हो जाएंगे जो जनवरी 19 में इनरोल हुए हैं। ठीक है, मतलब हम इसको समझेंगे जनवरी 19 से लेकर 30 जून 2023 तक। ये बात आप समझिएगा, मैं फिर से आपको आगे भी समझाऊंगा। अब एमएस एमफिल आर इक्विवेलेंट, ये 18 ईयर डिग्री प्रोग्राम है, 2 ईयर्स का है। अब इसमें ऐसे स्टूडेंट्स जो 30 जून 21 से लेकर 30 जून 23 तक इनरोल्ड हैं। अब यहाँ पर फिर से सेम बात, अगर ऐसी यूनिवर्सिटीज़ जिसमें फॉल सेमेस्टर है, जो अपनी न्यू बैच जो है वो जून अगस्त वाले सितंबर में उठा मतलब ले रहे हैं, एडमिशन कर रहे हैं, तो वो स्टूडेंट्स इनरोल होंगे। अगर नहीं तो इसको हम समझेंगे जनवरी 2022 से लेकर ये जो है 30 जून 2023 तक। ठीक है, अब यहाँ पर क्योंकि ड्यूरेशन 2 ईयर्स है, अब आप पहले देखेंगे 2 ईयर्स की ड्यूरेशन है, तो 2 ईयर्स में ऐसा प्रोग्राम जिसकी 2 ईयर ड्यूरेशन है वो आप काउंट करेंगे, ऐसा प्रोग्राम जिसकी 5 ईयर ड्यूरेशन है तो वो आप काउंट करेंगे। उसके बाद MBA 3.5 ईयर्स। अब इसकी जो इनरोलमेंट है, डेट ऑफ एडमिशन है वो 31 दिसंबर 19
से लेकर 30 जून 2023, ये 30 जून 2023 लास्ट डेट है सारे इनरोलमेंट प्रोग्राम्स की, ये एंड डेट है। मतलब यहाँ तक स्टूडेंट्स को कंप्लीट करना चाहिए अपना जो मतलब है कि एजुकेशन डिग्री है, या फिर इसके बाद जो इनरोलमेंट है वो भी नहीं हुई। अब 30 जून 2023 तक ऐसे स्टूडेंट्स जो MBA 3.5 इयर्स में। अच्छा, यहाँ पर मैं एक और इन्फॉर्मेशन भी आपको दे दूँ कि 3.5 इयर्स MBA बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में इज़ अ फोर ईयर प्रोग्राम भी मतलब है। तो यहाँ पर कहीं पर 3.5 ईयर्स का प्रोग्राम है, कहीं पर फोर ईयर्स का प्रोग्राम है। लाइक यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध में ये प्रोग्राम फोर ईयर्स का है, तो ये बैच काउंट होगी 20 से। ठीक है, समझ रहे हैं आप? 20 मतलब जनवरी से, क्योंकि हम जनवरी से एकेडमिक ईयर है, तो जनवरी इसको आप काउंट करें, जनवरी 20 से लेकर 30 जून 2023 तक। उसके बाद MBA 2.5, अब MBA 2.5 कहीं पर करवाई जाती है, कहीं पर सिंपल MBA 2 ईयर्स करवाई जाती है। तो ये ऐसे स्टूडेंट जो 31 दिसंबर 20 में इनरोलमेंट हुई है 23 तक, तो अगर नहीं तो ये जनवरी 21 से आप काउंट करेंगे, जनवरी 21 से ये 2 इयर्स का जो बैच है। उसके बाद MBA 1.5 इयर्स है, अब कहीं पर ये 1.5 इयर्स है, कहीं पर ये 2 इयर्स है। इसको और ऊपर वाली जो है 2.5 इयर्स को, इसको आप एज अ 2 इयर्स ले रहे होल, तो इसकी भी आप डेट ऑफ एडमिशन देख लें, 31 दिसंबर 2021 से लेकर 30 जून 2023 तक, ये इनका ड्यूरेशन है। अगर इस ड्यूरेशन में स्टूडेंट्स इनरोल्ड हैं इस डिग्री प्रोग्राम में, मैं आपको फिर से समझा रहा हूँ इसको सिंपल करके, कि ये डेट ऑफ एडमिशन को आप काउंट करें, एंड डेट को काउंट करें। इस बीच अगर स्टूडेंट अपनी यूनिवर्सिटी में इनरोल्ड है तो वो इस स्कीम के लिए, लैपटॉप स्कीम के लिए एलिजिबल है। अगर स्टूडेंट इसमें इस ड्यूरेशन में इनरोल्ड नहीं है तो वो एलिजिबल नहीं है। अब आते हैं मास्टर्स 16 ईयर प्रोग्राम 2 ईयर्स, लाइक हमारी यूनिवर्सिटी में जैसे आते हैं 2 इयर्स प्रोग्राम के लिए आते हैं, तो वो 30 जून 2021 से लेकर 30 जून 2023 तक है। अब 30 जून में अगर फॉल में वही बात कोई यूनिवर्सिटी अपनी बैच ले रही है तो उसका यहाँ से काउंट करेंगे, नहीं तो ये काउंट होगा जनवरी 2022 से लेकर 23 तक। यहाँ पर फिर से मैं कह दूँ, क्योंकि हमारे पास जो बैच आती है यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध में वो जनवरी से आती है, तो जो मास्टर 16 ईयर प्रोग्राम है 30 जून में, फॉल में तो हमारे पास कोई बैच नहीं आती, ये बैच आती है हमारे पास जनवरी में। तो ये फर्स्ट, आप इसको इस तरह ले लें कि 1 जनवरी 2021 से लेकर 30 जून 2023 तक, अगर इस बीच कोई स्टूडेंट इनरोल्ड है तो वो एलिजिबल है। उसके बाद अंडर ग्रेजुएट 5 ईयर्स प्रोग्राम, अब इसमें जो 30 जून 18 से लेकर, अच्छा ये 5 ईयर्स से अंडर ग्रेजुएट 5 ईयर्स प्रोग्राम्स लाइक LLB और फार्मेसी, ठीक है, 30 जून 18 से लेकर 30 जून 2023 तक इनरोल्ड है। अब यहाँ पर फिर वही बात, हमारे पास 30 जून अगस्त में कोई बैच नहीं आती, हमारे पास जनवरी से बैच आती है, तो आप इसको काउंट करेंगे 1 जनवरी 19 5 ईयर्स बैच जो है वो अगर इनरोल है 30 जून 2023 तक, जो कि इनका फाइनल ईयर होगा, तो वो एलिजिबल है। उसके बाद लास्ट में हम देख रहे हैं अंडर ग्रेजुएट 4 ईयर प्रोग्राम, अब यहाँ पर देखेंगे 30 जून 19 से लेकर 30 जून 2023 तक। तो अच्छा, ऐसे अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स जो 4 ईयर प्रोग्राम में हैं और उनकी इनरोलमेंट 30 जून में हुई है, तो फिर वही बात कि अगर फॉल सेमेस्टर में आए तो 30 जून से काउंट करेंगे, अगर मतलब स्प्रिंग में आए हैं तो स्प्रिंग जैसे सेमेस्टर होता है वो जनवरी से स्टार्ट होता है, तो हम इसको काउंट करेंगे 1 जनवरी 19 से लेकर 1 जनवरी 2019, अब नहीं होगा क्योंकि 19 में ये 30 जून है, 1 जनवरी 2020 से लेकर 30 जून 2023, जो कि इनका फाइनल ईयर होगा, उसमें आते हैं। तो अब यहाँ पर फिर से मैं सिंप्लीफाई करूँ, ये टेबल बहुत अहम है, आप इसको एक बार फिर देख लें, नहीं आए तो कमेंट्स में आप हमसे पूछिएगा, हम आपको फिर से गाइड करेंगे। अगर आपको और भी बात समझ नहीं आई तो फिर से हम आपको वीडियो बनाकर इस पर समझाएंगे कि ये डेट ऑफ एडमिशन और एंड डेट, इन दोनों को आप देखिए, अगर इस बीच आपकी इनरोलमेंट यूनिवर्सिटी में है, अपने यूनिवर्सिटी कॉलेज में आपकी इनरोलमेंट है, तो आप एलिजिबल हैं। अगर इस टाइम के बीच आपकी इनरोलमेंट नहीं है, आइदर आप पास आउट हो चुके हैं या अभी तक आपकी इनरोलमेंट नहीं हुई है, तो आप इस प्रोग्राम के लिए एलिजिबल नहीं है। इस बात को आप फिर से मतलब समझिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब एलिजिबिलिटी में और क्या है, स्टूडेंट्स स्टडिंग इन पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज डिग्री अवार्डिंग इंस्टीट्यूट्स ड्यूली रिकॉग्नाइज्ड बाय एचईसी एक्सेप्ट डिस्टेंस लर्निंग। डिस्टेंस लर्निंग वाले इसमें एलिजिबल नहीं है, लाइक अलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी है उसमें जो बीएड एमएड डिस्टेंस कर रहे हैं, या वर्चुअल यूनिवर्सिटी है उसमें जो इस तरह की यूनिवर्सिटीज़ को डिस्टेंस लर्निंग कहा जाता है जिसमें आप घर बैठे डिग्री कर सकते हैं, तो वो एलिजिबल नहीं है। बाकी जो भी स्टूडेंट्स रेगुलर स्टूडेंट्स हैं पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी के, वो इसके लिए एलिजिबल हैं जो यूनिवर्सिटीज एचईसी रिकॉग्नाइज्ड हैं। एचईसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटीज की लिस्ट आप उस खुद एचईसी की वेबसाइट पर भी देख सकते हैं। उसके बाद है स्टूडेंट्स एनरोल्ड इन पीएचडी एमएस एमफिल आर इक्विवेलेंट 18 ईयर डिग्री प्रोग्राम्स। ये स्टूडेंट एमफिल के एमएस के पीएचडी के एलिजिबल हैं। स्टूडेंट्स एनरोल्ड इन 4 ईयर आर 5 ईयर बैचलर्स डिग्री प्रोग्राम मॉर्निंग और इवनिंग, मतलब यहाँ पर इवनिंग का भी कोई मसला नहीं है, वो भी एलिजिबल हैं। स्टूडेंट्स इनरोल्ड इन एमबीए प्रोग्राम 3.5 इयर्स 2.5 इयर्स एंड 1.5 इयर्स, वो भी एलिजिबल हैं। तो ये पूरी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि आप लाजमी बात है कि आप पब्लिक सेक्टर जो एचईसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी है उसमें आप फुल टाइम रेगुलर स्टूडेंट हो, तो वो आप एलिजिबल हो। नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास जनरल इंस्ट्रक्शन में हमारे पास क्या है। जनरल इंस्ट्रक्शन में हमारे पास जो है वो यहाँ पर ये है कि 19 बैच, अब 19 कौन सी बैच, 5 इयर्स प्रोग्राम वाली 19 बैच जो है वो अपने थर्ड ईयर की रिजल्ट या फोर्थ ईयर की रिजल्ट इनपुट करेगी। स्टूडेंट्स इंटर देयर रेगुलर एग्जाम सीपीएन रिजल्ट एज लिस्टेड बिलो, ठीक है। तो 19 बैच जो है जो 5 ईयर प्रोग्राम की एलएलबी ला या व्हाटएवर जो भी 5 ईयर प्रोग्राम है वो अपनी थर्ड ईयर या फोर्थ ईयर की सीपीएन इनपुट करेंगे। 20 बैच जो है वो अपनी सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर की जो सीपीएन है वो इनपुट करेंगे। 21 बैच जो है वो अपनी फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर की जो सीपीएन है वो इनपुट करेंगे। 22 बैच जो है वो अपनी फर्स्ट ईयर की या अगर नहीं आई तो इंटरमीडिएट की यहाँ पर इनपुट करेंगे सीपीएन। और 23 की जो बैच है वो अपनी एचईसी पार्ट 2 की मार्कशीट जो है वो अपने डिपार्टमेंट के फोकस पर्सन के बाद जब सबमिट करवाएंगे, जो आपके डिपार्टमेंट का फोकस पर्सन होगा या यूनिवर्सिटी का फोकस पर्सन होगा वहां पर सबमिट करवाएंगे फर्दर वेरिफिकेशन के लिए। तो ये जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं, ठीक है। उसके बाद यहां पर इन एलिजिबिलिटी में क्या है, कौन कौन से इन एलिजिबल हैं। अब इन एलिजिबिलिटी में हम देख रहे हैं स्टूडेंट्स एनरोल्ड एट एनी प्राइवेट सेक्टर हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट। प्राइवेट सेक्टर जो यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स हैं वो इसमें एलिजिबल नहीं है। स्टूडेंट्स इनरोल्ड एट एनी गवर्नमेंट डिग्री एंड पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज एंड अफिलेटेड कॉलेज, ठीक है। स्टूडेंट्स जो है कोई भी इस तरह जो जिस तरह मैंने बताया डिस्टेंस कॉलेज वाले स्टूडेंट्स हैं वो इसमें एलिजिबल नहीं है। स्टूडेंट्स हु हैव ऑलरेडी रिसीव्ड अ लैपटॉप अंडर एनी फेडरल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट स्कीम, वो एलिजिबल नहीं है। फॉरेन नेशनल स्टूडेंट्स वो इसमें एलिजिबल नहीं है एक्सेप्ट स्टूडेंट्स फ्राम एजेके, एजेके वाले इसमें आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर वाले इसमें एलिजिबल हैं। एनी अदर स्टूडेंट नॉट लिस्टेड एलिजिबल क्राइटेरिया एंड आर एज आइडेंटिफाइड एंड डिसाइडेड बाय द स्टीयरिंग टेक्निकल कमेटी। इफ एनी स्टूडेंट हैज़ नॉट अप्लाइड ऑनलाइन और हिज हर एप्लीकेशन नॉट हैज नॉट बिन रिसीव्ड थ्रू द ऑनलाइन पोर्टल, याद रखिए अगर आप ऑनलाइन अप्लाई नहीं करेंगे तो आप इसमें एलिजिबल नहीं होंगे। तो ये सारी इन एलिजिबिलिटी है, आप इसको भी देख लीजिएगा यहाँ पर कौन कौन से स्टूडेंट इन एलिजिबल हैं। आगे बढ़ते हैं, अब ये कुछ और कॉमन इंस्ट्रक्शंस हैं। यूज़ योर फॉर्म फिल करते वक्त आपने क्या क्या करना है, याद रखें फॉर्म फिल करना एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है और हम आपको इस पे ऊपर भी कि फॉर्म किस तरह फिल किया जाए हम आपको अलग से एक दो दिन में वीडियो देंगे। तो हमारे चैनल को फिर से सब्सक्राइब करें अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, और इस हमारे चैनल की वीडियोज़ को शेयर करें आप, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। आज की वीडियो में हम आपको वो सब बातें बताते लेकिन आज की वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती, तो इसलिए हमने सोचा कि एक वीडियो में हम आपको पूरा प्रोसेस समझाते हैं कि अप्लाई करने का प्रोसेस, अप्लाई कौन कर सकता है, एलिजिबल कौन हो सकता है, और ये सारी जो है क्राइटेरिया टेबल जो है वो हम आपको समझाएं। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको स्टेप बाय स्टेप फॉर्म फिल करने का प्रोसेस बताएंगे और ये सब चीज़ें बताएंगे। अब ये इंस्ट्रक्शंस में क्या है, यूज़ योर ओन सीएनआईसी फॉर फिलिंग द फॉर्म। अपने अपना जो पर्सनल सीन ऐसी है, किसी और की सीन ऐसी बनेंगे, ऐसा ना हो कि आपने किसी चाचा मामा ताया का सीन ऐसी दे दिया और फिर मसला हो जाए आपको आपके लिए, ये इस तरह आपने नहीं करना। ओनली वन डिवाइस पीसी सेलफोन कैन बी यूज फॉर अ सिंगल पर्सन फॉर फिलिंग द फॉर्म। अच्छा ये मैं बताऊं आपको कि आप अपने डिवाइस पे एक ही मतलब है कि फॉर्म भरे, ऐसा ना हो कि मतलब है कि आपने एक फॉर्म भरा फिर किसी और का फॉर्म भरा फिर किसी और का, मतलब एक ब्राउजर जो आप यूज़ कर रहे हैं क्रोम या एज या फायरफॉक्स,
तो आप उससे अपना फॉर्म ही रखें, भले आप दूसरा ब्राउज़र यूज़ कर लें, क्योंकि इसके लिए आप इस बात पे आपके लिए कोई मसला ना हो। ईमेल मस्ट बी वैलिड वन यूज फॉर रिसीविंग अपडेट वेरीफिकेशन। अच्छा, ईमेल वो आप यूज़ करेंगे जो आपके यूज़ में है, जो आप मेरे पर्सनल यूज़ कर रहे हैं। ऐसा ना हो कि कल को उस पर वेरीफिकेशन कोड आ जाए या फॉर फर्दर फ्यूचर कम्युनिकेशन हो तो आपको वो ईमेल आप ओपन ही ना करते हो या आपको पता ही ना हो, तो आप लाजमी ये सारी जो हैं प्री रिक्विजिशन ये चेक कर लें आप कि सीनासी आपका अपना हो, डिवाइस जिस भी यूज़ कर रहे हैं वो आपके पास होनी चाहिए, ईमेल जो है वो आप मतलब एक ऐसी यूज़ करें जिसको आप यूज़ करते हो फ्रीक्वेंटली, रजिस्ट्रेशन सेल नंबर ओटीपी विल बी रिक्वायर्ड फॉर रिसीविंग लैपटॉप। तो ये जो सेल नंबर आप देंगे सिर्फ उस पर भी आपका एक कोड आएगा जब आप लैपटॉप कल को रिसीव करेंगे, तो यहाँ पर भी वो नंबर देना है जो आपके नाम पर रजिस्टर्ड हो जो आप यूज़ करते हो, ठीक है। तो ये कॉमन इंस्ट्रक्शन थी, ये मैंने आपको बताई। अब नेक्स्ट आते हैं, क्या है हमारे पास। अच्छा, ये काफ़ी क्वेश्चंस स्टूडेंट्स पूछते हैं कि व्हाट अबाउट सेल्फ रिव्यूइंग स्टूडेंट्स, मतलब ऐसे स्टूडेंट्स जिनकी यूनिवर्सिटी में अपनी यूनिवर्सिटी में एडमिशन जो है वो आइदर सेल्फ फाइनेंस पर है या इवनिंग किसी प्रोग्राम में है, तो वो क्या एलिजिबल हैं? येस, दे आर आल्सो एलिजिबल टू इनरोल फॉर पीएम लैपटॉप स्कीम। अभी तक एचईसी वालों ने इस तरह की कोई बात नहीं कही कि सेल्फ फाइनेंस के स्टूडेंट्स एलिजिबल नहीं है, या जैसे मैंने आपको पहले बताया कि इवनिंग के स्टूडेंट्स जो है वो भी एलिजिबल है, तो इस तरह की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आप आइदर सेल्फ फाइनेंस पर हो या आप इधर इवनिंग के स्टूडेंट्स हो, आप बिल्कुल जो है वो अप्लाई कर सकते हो इस प्रोग्राम के लिए। नेक्स्ट हम देखते हैं हाउ टू अप्लाई। हाउ टू अप्लाई में हमारे पास स्टूडेंट्स आर एडवाइज टू अप्लाई ऑनलाइन बाय रजिस्टरिंग और अपडेटिंग देयर प्रोफाइल एट द फॉलोइंग लिंक ऑफ द स्टूडेंट सर्विस पोर्टल। स्टूडेंट कैन अप्लाई थ्रू द वेब पोर्टल और मोबाइल एप्लीकेशन। आप एचईसी की मोबाइल एप्लीकेशन से भी अप्लाई कर सकते हैं, आप पीसी लैपटॉप उससे भी आप अप्लाई कर सकते हैं। लिंक ये दी हुई है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी रखूंगा, तो आप डिस्क्रिप्शन में भी इस लिंक पे क्लिक करके अप्लाई नाउ पे क्लिक करके आप सबमिट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद है लास्ट डेट। अब लास्ट डेट इसकी जून 2023 है, ये या लास्ट डेट आप याद रख लें, इस डेट तक आपने रजिस्ट्रेशन अपनी कंप्लीट करनी है। यहाँ पर मैं फिर से आपको बताऊँ कि फॉर्म फिल करने का स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस हम आपको बताएंगे कि आपने फॉर्म कैसे फिल करना है, आपने कौन कौन सी चीज़ें इसमें जो है वो रिक्वायरमेंट्स का ख्याल करना है, ये सब बातें हम आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, और कमेंट्स में बताएं अगर कोई भी आपको मसला हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, फॉर्म भरे आप फिल कर रहे हों या कोई सवाल हो, कोई क्यूरी माइंड में हो जो आपको कंफ्यूज कर रही हो, तो कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं, हम आपको कमेंट्स में भी गाइड करेंगे। थैंक यू सो मच डियर फ्रेंड्स, होप सो के यू हैव गेट इनफ नॉलेज टू अप्लाई फॉर द प्राइम मिनिस्टर लैपटॉप स्कीम। थैंक यू।